नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय विद्या भवन एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी पढ़ने व अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने आते हैं। यहां हर धर्म, जाति व संप्रदाय को सम्मान दिया जाता है और इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत सर्वधर्म प्रार्थना से होती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं वैदिक प्रार्थना। वैदिक प्रार्थना की शुरुआत ओम से होती है। ओम सृष्टि का प्रतीक है और इस पूर्ण प्रतीक से ही सृष्टि का विस्तार होता है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, इसीलिए हमें हर चीज का उपयोग सोच समझकर व सावधानी से करना चाहिए। जिस पर हमारा हक नहीं उसका लालच भी हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रार्थना में गुरु और शिष्य दोनों ही ये याचना करते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करे, हमें पोषण दे ताकि जीवन की राह पर हम प्रगति कर सकें, हम कभी किसी से ईर्ष्या ना करें और हमेशा शांति के पथ पर चलते रहें। ये थी शिक्षा वैदिक प्रार्थना से। अब सुनते हैं इस्लामिक प्रार्थना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस प्रार्थना की शुरुआत करते हैं अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला है और इस पूरी कायनात का मालिक है और हमें इज्जत, खुशी, सुख, दुख वो ही देता है। जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है और वो ही हर चीज़ का दाता है। तो ये थी इस्लामिक प्रार्थना और अब सुनते हैं ईसाई प्रार्थना। Each kindly light amidst encircling gloom, lead thou me on. The
साई प्रार्थना में हम ईश्वर से प्रकाश मांगते हैं ताकि वो हमें दुख और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले। हम अपनी मंजिल से दूर हैं, लेकिन वो ईश्वर हमें हर कदम पर सहायता देकर हमारा मार्गदर्शन करता है। उसकी मदद से ही हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। ये थी ईसाई प्रार्थना, और अब सुनते हैं सिख प्रार्थना। एक ओंकार सत्यनाम करता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूर्ति अजनी सैवम गुरु परसाद जप आद सच युगाद सच है सच नानक हो सी भी सच आहिर जीदा खालसा वाहे गुरु जी दी पतह। ईश्वर एक है, वो सत्य का स्वरूप है और उसी ने ये जग रचा है। वो निर्भय है और उसका किसी से कोई बैर नहीं। वो अकाल और अविनाशी है, उसका जन्मदाता भी कोई नहीं, क्योंकि वो अपने आप में ही संपूर्ण है। इस प्रार्थना में हम उस गुरु का भी धन्यवाद करते हैं जिसने हमारा उस ईश्वर से परिचय कराया। जप्पू जी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का वो मंत्र है जो हमें ये बताता है कि सत्य ही ईश्वर है और दिव्य सत्य ही वो परम गुरु है जो आदि से लेकर अनंत तक है। तो ये थी सिख प्रार्थना, और आइए अब सुनते हैं जैन प्रार्थना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोय सभसाहूणम एसो पंच नमकारो सब पाव पनासनो हम नमन करते हैं उन्हें जिन्होंने अपने अहम पर विजय पा ली है। हम श्रेष्ठ मुनि साधु संत गुरुजन व सभी सिद्ध पुरुषों का सम्मान करते हैं। इनका आदर करने वाला व इनके दिखाए मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। तो ये थी जैन प्रार्थना, और आइए अब सुनते हैं पारसी प्रार्थना। हमारे नश्चा खरे नश्चा हमारे तनवो द्रवे तातिम हमारे तनवो वजन वरे हमारे तनवो वैरित्रिम हमारे अष्टिम पौरुष खात्रिम हमारे अशांचित फैले जानतिम हमारे दारेगम दारेगो जितिम हमारे बहिष्टिम अहम अशौनम रोचिंग्यम विस्फो खात्रिम अथ जमयात यथा फिनामी अशेम बहु वहिष्टिम अष्टि उष्टावष्टि उष्टा हमाय हियातशाय भविष्टाय अशिम। हमारे पारसी भाई बहन उस परम शक्तिमान सृष्टि निर्माता के आगे समर्पण करते हैं जो हमें स्वास्थ्य और बुद्धि देता है। मनुष्य को वो ही ज्ञान देता है जिससे हम जीवन का निर्वाह कर सकें। वो ही शुभाशीष और आनंद का दाता है। ईश्वर हम पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखें। ये थी पारसी प्रार्थना, और अब सुनते हैं बौद्ध प्रार्थना। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस प्रार्थना में भगवान बुद्ध की असीम दया में शरण मांगते हैं ताकि वे उन्हें ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश की ओर ले जाएं। वे शरण चाहते हैं समाज में,
क्योंकि सबके साथ मिलजुल कर चलने वाला व्यक्ति ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। साथ ही वे शरण चाहते हैं धर्म की। यहाँ धर्म का अर्थ है जिंदगी के सभी कार्यों को ढंग से व समझदारी से करना। तो दोस्तों, देखा आपने कि सृष्टि का निर्माता एक है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, और हर धर्म एक ही संदेश देता है, आपसी प्रेम और शांति का। अंत में मैं ऋग्वेद के एक श्लोक को आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो भारतीय विद्या भवन का उद्देश्य भी है। आनु भद्राः कृत्वयन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में हर दिशा से सद्विचारों का आगमन हो। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड।